Excuse me? अरे रूही मैम, आप यहाँ? Stand by for phono with news editor Deccan Plateau magazine केवल कश्यप बीना go. और अब हमारे साथ फोन लाइन पे हैं मिस्टर केवल कश्यप, डेक्कन प्लेटो मैगजीन के एडिटर. तो मिस्टर कश्यप, एक और बार बॉर्डर पे सीज फायर वायोलेशन, एक और बार आम गांव वालों की मौत, कब तक चलता रहेगा ये? मिस बीना, ये एक किस्म की प्रॉक्सी वॉर है और तब तक चलती रहेगी जब तक असली मसलों का सामना नहीं करते. अरे रूही, छह महीने लग गए अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलने को. आई एम सॉरी, थोड़ा सा उलझी हुई थी बस. लगता है तुम्हारी उलझन अभी भी सुलझी नहीं. काइंड ऑफ. चलो केबिन में जाके बात करते हैं, आओ. अब बताओ, ऐसी क्या उलझन है जो मेरे बेस्ट फ्रेंड को मुझसे छह महीने के लिए दूर रखती है? बात वो नहीं है बीना, बात यह है कि पिछले छह महीने से I disappeared on you. और अब ऐसे suddenly जब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ी तो I am here. I feel bit selfish, you know, and oh hello, shut up. Selfish तुम नहीं हो, तुम्हारा वो बड़ा भाई है जिसके लिए I broke up with you. And you know what? तुम selfish होती ना तो I wouldn't have been in touch with you and we wouldn't have been best friends. चलो यार, time pass मत करो, बताओ क्या मामला है? सिमी सूद. न्यू फ्लिंग? नॉट अ फ्लिंग. क्या सस्पेंस है रूही, बात बताओगी नहीं तो हाउ विल आई हेल्प यू? बीना, यू नो ना कि मैं पुनीत टंडन की कंपनी में एक आर्किटेक्ट हूँ. सो दिस इज द पार्किंग, दिस इज द लॉबी एंड दिस इज द बैंक ऑफ एलिवेटर्स. सो मिस्टर मल्होत्रा, डू यू लाइक व्हाट यू सी? रूही, लाइक इट? आई लव इट. और ये सब तो एक फॉर्मेलिटी बन गई है तुम्हारे साथ. अगर रूही अहुजा इस प्रोजेक्ट की चीफ आर्किटेक्ट हैं, तो ये मीटिंग्स और प्रेजेंटेशन की कोई जरूरत ही नहीं है हमें. शी इज द सुपरस्टार ऑफ योर कंपनी. जी सर, शी इज वेरी गुड, शी इज द स्टार. कभी कभी तो मुझे लगता है दैट शी शुड बी द बॉस. सो पुनीत जी, सी यू सून. ऑलराइट सर, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. So, Mr. Malhotra, do you like what you see? I love what I see. Star my fucking ass! Bloody politician. What are you talking about, sir? Maine kya kiya? Ye designs tumne mujhe send karne the, haan ya na? Haan ya na? Yes. ये प्रेजेंटेशन मुझे देना था, हाँ या ना? यस सर. लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैडम को काम आ गया और यहाँ बन गई स्टार. लेकिन सर, ये कंपनी आप ही के, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो आपको मिलता है, मुझे नहीं. एंड या दैट्स ट्रू कि मैं लास्ट मोमेंट तक काम ही कर रही थी. ये कंपनी मेरी है, इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो घटिया पॉलिटिक्स तुम कर रही हो ना, कि दुनिया में ये साबित कर दूं कि पुनीत चूतिया है, रियल टैलेंट तो रूही के पास है, ये करना बंद कर दो. मैं नहीं चाहता कि जब मैं तुम्हें धक्के मार के निकालूं तो मेरे क्लाइंट्स तुम अपने साथ ले जाओ. सर, ये सारी चीजें तो मेरे दिमाग में आई तक नहीं. ये सारी चीजें तो आपके दिमाग में है सर, मेरे नहीं. मेरे दिमाग में तो और भी बहुत कुछ आ रहा है. बट यू नो व्हाट रूही, लाइफ स्क्रूज एवरीबॉडी. द नेक्स्ट टाइम यू डू दिस, गेट आउट. यस सर, I'll be more careful next time. Next time, presentation आप ही करेंगे. That's better. Do you know why? Because I like controlling. What's your name? Yogesh, sir. Bring coffee. अरे छोड़ ना यार रूही, तू जानती है ना वो ऐसा ही है, सबके साथ ऐसे ही बर्ताव करता है. सबके साथ नहीं रॉय, मेरे साथ सिर्फ, और सबसे ज्यादा सिर्फ मेरे साथ. और मैं रीजन भी जानती हूँ क्या है. अच्छा, क्या रीजन है? ऑफिस में ना ऐसी एक भी लड़की नहीं है जिस पे पुनीत ने हाथ ना मारा हो, और उन सारी लड़कियों ने पुनीत को अपनी मनमानी करने दी है सिवाय मेरे. जब से मैंने उसको फक ऑफ बोला है ना, ये सब उसी का नतीजा है.
यार अब इसमें उस बेचारे पुनीत को क्या पता कि उसका कसूर नहीं है. देख टू रूही ऑल मेल्स कैन अप्लाई बट ओनली फीमेल्स शैल गेट अ रिप्लाई. फक ऑफ रॉय. अगर मैं गे नहीं भी होती ना तब भी उस पुनीत को मैं एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं करती. आई पिटी दैट गर्ल जो पुनीत को लाइफ टाइम के लिए बर्दाश्त करेगी. अरे 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 अच्छा शांत हो जा. मैं जानता हूँ कि तू बहुत अपसेट है. चल एक काम करते हैं ऐसी जगह लेकर चलता हूँ तुझे जहाँ तेरा मूड ठंडा हो जाए. मुझे नहीं जाना कहीं. अरे चल ना यार. देख मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि भले ही आज के दिन की शुरुआत तेरे लिए बेकार हुई हो लेकिन एंडिंग मस्त होने वाली है. आई प्रॉमिस. कहाँ जाना है? You know, Ruhi, I think this country is not made for you. यार जब से तुम US से आई हो, you are not happy. US में भी कहाँ happy थी मैं? पर तुम्हें पता रूही, यहाँ पे LGBT communities पे बहुत restrictions हैं. I know. पर उस community में होकर भी मैं अब नहीं हूँ. I mean, कोई है ही नहीं मेरी ज़िंदगी में अब. बस मैं और मेरी तन्हाई. Ladies and gentlemen, may have your attention, please. We present you the star of the evening. Beautiful, sensational, Simmi Sood. दुनिया से हम दूर जाए कहाँ. ये अफसाना है रूह का जिस्मों से क्या मतलब हमें जाने जाना. ये अफसाना है रूह का जिस्मों से क्या मतलब हमें में इशारा हो गया बैठे बैठे जीने. रॉय स्टॉप इडियट. अच्छा इडियट. टेल मी ना यार प्लीज बी ऑनेस्ट कैसे लगी. ओके सो क्यूट तो थी. बहुत क्यूट थी. मेरी तरफ देख भी रही थी. देयर वाज अ वाइब फॉर श्योर. अच्छा रूही मुझे एक बात बता यार ये तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि मतलब you know what I mean. You mean उसे कैसे पता चल जाता है कि she's gay like me? हाँ मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो स्ट्रेट हो और वो लड़की होकर लड़की से प्यार करने का चक्कर उसका चक्कर ना हो. सकता है हो सकता है. But you know what? There's an attraction. Instinct होता है. और जहाँ पे अट्रैक्शन होता है वहाँ पता चल ही जाता है. क्यों तुम्हें पता नहीं चलता जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है. पता तो चल ही जाता है यार. तो फिर ये भी तो वही है. There is no difference. Love is love, dude. I mean, ये thrilling और pulling से कोई फर्क नहीं पड़ता. क्या बात है. वैसे तेरी thrilling और pulling वाली बात से ना मुझे मेरे हिंदी टीचर श्रीवास्तव सर की याद आ गई. thrilling, pulling. कौन बोलता है यार ये सब. oh my god. चल यार. वैसे भी लेट हो गया हूँ मैं. कल मेरा वीकडे है. ओके बाय बाय. एंड दो आई एम नो स्ट्रिंग हु इज पुलिंग मी होम. कल मुझे वो पुनीत लिंग को फेस लिंग करना है. ओके बाय. थैंक यू फॉर टुडे. नो प्रॉब्लम. और हां थोड़ी नींद लिंग कर लियो. आंखों ही आंखों में. गेट आउट. बाय. डोंट आर्ग्यू विद मी एंड लिसन टू मी केयरफुली.
ये जो असाइनमेंट है ना मुझे आज ही पहुंचाना है, अगर आज नहीं पहुंचाना देन यू आर फायर्ड, अंडरस्टूड? स्टूपिड पीपल, पता नहीं क्या करते हैं काम का, और आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से एक ही ड्राइंग बनाए जा रहे हैं। अरे आज असाइनमेंट पहुंचाना है। रूही काम डाउन, काम डाउन, मैंने उसको बोल दिया वो कर देगा। काम डाउन बाबा, काम डाउन। रॉय यार हम बॉलीवुड क्लब में या फिर बॉलीवुड क्लब यहाँ आ गए। एक्सक्यूज मी मैम, सर इन अ मीटिंग, कैन यू वेट फॉर फ्यू मिनट्स प्लीज? ओके, नो वरीज, थैंक यू। हाय, यू सिंग रियली वेल। थैंक यू। एक्चुअली मैं और मेरी दोस्त कल बॉलीवुड क्लब आए थे, वहीं पर गाते हुए सुना था आपको। ओह यस, आई रिमेम्बर यू, लेकिन गाने के बीच में यू डिसअपीयर्ड, मुझे लगा शायद तुम्हें गाना अच्छा नहीं लगा। ओह नो नो नो, मैं वहीं पर थी एक्चुअली, हमारे बीच काफ़ी लोग आ गए तो मेरा व्यू कवर हो गया। मेरा भी, और खामा खा आई थॉट दैट यू लेफ्ट हाफ वे। मैम, पुनीत सर विल सी यू नाउ। ओके, नाइस सीइंग यू अगेन। या विदाउट द व्यू गेटिंग कवर्ड। राइट, without the view getting covered, that's the new level of cheesy. Shut up, Roy. मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि पुनीत को कैसे जानती है। क्या पता, वैसे by the way हम भी उसे कौन सा ठीक से जानते हैं? करना काम को फास्ट करो यार। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे फादर बीमार है कि तुम्हारी मदर बीमार है। I need the materials by today evening. हाँ, please, please, I want all the materials by today evening. Okay. क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार बोला है कि ऑफिस मत आया करो, एम्बैरेसिंग होता है, समझ में नहीं आता तुम्हें? आई नो पुनीत, आई एम सॉरी, लेकिन थोड़ा अर्जेंट था। क्या अर्जेंट है? ये वेडिंग इनविटेशन कार्ड आज शाम तक प्रिंटिंग के लिए भेजना है, सो तो ईमेल नहीं कर सकती थी? पापा का एज क्या है तुम्हारे फादर का? हार्ट प्रॉब्लम है ना उनको, दिमाग भी खराब है। पुनीत तुम पापा को कुछ मत बोलो। What the hell is this? ये कहाँ से आर्टिस्टिक है? कहाँ से आर्टिस्टिक है ये? इतना टाइम लिया तुम लोगों ने ये बकवास बनाने के लिए? Come on, पुनीत, ये इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा क्या है इसमें? देखो या तो किसी के पास टेस्ट होता है या टेस्ट नहीं होता, ये प्रॉब्लम होती है। अरेंज मैरिज की ये प्रॉब्लम होती है, दिखता कुछ है एंड में होता कुछ और। Fuck. Simmi, life screws everybody. Please stop doing this drama. We're in my office. ये बंद करो रोना और अपने फादर साहब से बोलो कुछ मत बोलो, मैं खुद कर लूंगा ये, मैं कर लूंगा, तुम लोगों से नहीं होगा। आंसू पोंछ के जाना प्लीज बाहर। एक्सक्यूज मी, आप अपना फोन भूल गई हैं। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाय, ये आपका फोन आप टेबल पे भूल गई थी तो मैं, थैंक यू। यू नो न्यूयॉर्क में मेरी एक दोस्त थी, वो हमेशा कहती थी कि विमेन पीएमएस फ्यू टाइम्स इन अ मंथ बट मेन पीएमएस ऑल द टाइम। व्हाट? कहा करती थी कि मेन हैव परमानेंट माइंडलेस सिंड्रोम। दैट्स फनी, दैट्स अ फैक्ट। थैंक यू मुझे हंसाने के लिए। यू आर वेलकम। थैंक यू फॉर द फोन एंड द स्माइल। उसके बाद मैं कभी उससे मिली ही नहीं।
और जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे लगने लगा कि मैं अपने सपनों की दुनिया में खोती जा रही हूँ, जिसे मैं जानती तक नहीं उसी के बारे में सोच रही हूँ। रॉय का कहना था कि सिमी के ऊपर मेरा कोई क्रश नहीं था, बल्कि मैं अपनी तन्हाइयों से हार चुकी थी और अपने खालीपन को भरने के लिए मैं सिमी के इमेजिनरी साथ का सपना देख रही थी। ये ना, अगर हमारी ऑफिस की ऑफसाइट मीटिंग गोवा में नहीं होती ना, तो शायद मैं रॉय की बात मान भी लेती। But Cupid had other plans. जी चाहता है मुझे बदन में डुबोने को साहिर, जी चाहता है या हो मुनासिब या ना मुनासिब, होना नहीं है अब दूर हमको। हेलो मैम। हाय। हेलो मैम। मैम, वो जो रिजर्वेशन लेटर हमने आपको मेल किया था, एक्चुअली उसकी जरूरत होगी बिकॉज उस पे एक बार कोड है जो हमें स्कैन करना पड़ेगा। आप अपने फोन पे चेक कर लीजिए। नहीं, मेरे फोन में तो नहीं है, लेकिन एक मिनट, हमें पुनीत को पूछ। श्योर मैम। मिस्टर सिंह अपीयर हुए थे या आप जूनियर्स गए थे वहां पर? एक मिनट। नहीं नहीं, तो और दूसरे मैटर का क्या? हाय, ये गाइस ना बहुत प्रेडिक्टेबल होते हैं। सॉरी, लाइक ये लॉक का कॉम्बिनेशन नंबर, या तो किसी का बर्थडे होता है या फिर कोई सेक्सुअल चीज होती है, इनका दिमाग दो ही डायरेक्शन में जाता है। यू थिंक सो? या ट्राई इट। पुनीत का बर्थडे ट्राई करती हूँ। गो एट। मेरी मानो तो कोई सेक्सुअल चीज ट्राई करो। लाइक व्हाट? लाइक 69 ट्वाइस, 69 69। आर यू सीरियस? ट्राई इट। वेल ओके। सी, आई टोल्ड यू। वेल, आई ऑब्वियसली डोंट नो मैन। हो गया क्या वो? जी वो। अच्छा, मैं इस ऑफिस ट्रिप पे तुम्हें इसलिए लाया हूँ ताकि तुम्हें पता लग जाए कि ऑफिस में किससे दोस्ती करनी है और किससे नहीं करनी। रूही, मीट रूही, सिमी। इससे जितना हो सके दूर रहना, ये फेमिनिज्म के नाम पे बदतमीजी करना सिखाती है। Look at her face. I'm just kidding. अब आप बॉस है तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी कि आप कितने बदतमीज हैं, कितने एरोगेंट हैं और कितने घमंडी हैं। डोंट वरी, जस्ट जोकिंग। आप ही ने कहा था ना, बी कैजुअल ऑन द हॉलिडे। ओह यस, ऑल ऑफ अस आर फ्रेंड्स। थैंक यू। क्या वो डिड यू गेट द रूम की? हां, यस, द रिजर्वेशन आई थिंक। आई विल जस्ट हैव अ लुक। बादलों के पीछे जैसे चांद हो छुपा हुआ, एक चेहरे के पीछे जैसे एक और हो दबा हुआ, ये दुनिया ये लोग मुझे पहचान न ले।
तो सोचा क्यों ना एक और पहचान बना ना ले, अपनी हसरतों से खुद ही डर के मैं हो गई जिंदा थोड़ा सा मर के। आंसुओं को मुस्कुराहट में बदल कर फंस गई कुछ झूठ के दलदल में। मेरे गीत से कर लेती हूँ बात कभी, कहती हूँ सिर्फ उनसे मेरी अन कहीं। सोचती हूँ अगर ऐसा कोई हो कहीं, समझे जो मेरी ये खामोशी। सपनों को मेरे देख ले अपनी आँखों से, लफ्जों को मेरे कह ले अपनी बातों से। गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। प्यारे भाइयों और आप सबकी बहनों, शायद आप ये बात नहीं जानते हैं कि हमारे बॉस की होने वाली धर्म पत्नी जी यानी कि सिमी जी बहुत अच्छी सिंगर है। और वो भी गिटार के साथ। तो सिमी जी प्लीज हम सबकी तरफ से एक प्यार भरा गाना सुना दीजिए। No, no, I can't. Come on. Simmi. ज़्यादा पी लिया क्या? ये मेरी कंपनी का इवेंट है, हमारा क्लब नहीं है ये। पर पुनीत, तुम्हारी टीम ने ही रिक्वेस्ट किया है। मेरी टीम रिक्वेस्ट करेगी तो कोठा बना दोगी क्या इसको? चलो कोई नहीं, लाइफ स्क्रूज एवरीबॉडी। ये ले बेटा। एक्सक्यूज मी, इतने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली है ये सब जानते हैं। तुम उसकी बात का बुरा मान के अपना जी छोटा मत करो प्लीज। मैं जानती हूं मुझे कुछ कहने का हक नहीं है और ना ही अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोलना चाहिए, लेकिन पुनीत को तुम जैसी लड़की मिली ये उसका सब। जैसे तुम सोच रही हो, मेरे कम का फायदा उठाकर तुम मेरे पास आने की कोशिश कर रही हो। तुम तो पुनीत से भी बदतर हो, वो जो है सबके सामने है, मगर तुम छुप के से अपना मतलब पूरा करने वालों में से हो। तुम जाओ। एंड थैंक यू, मैं खुद का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम्हें जहां जाके हाथ मारे मारो, लेकिन मुझसे दूर रहो। रूही, what can I do for you? मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? बिना बेग तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ, जो मेरी हेल्प कर सकती है सिमी को बचाने में। बचाने में? What do you mean? मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बिना अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो वो मर जाएगी। She will die. क्या? हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने ट्विस्टेड 2 और अनटचेबल्स की टिकट खरीदी और हमारे शो को इतना सक्सेसफुल, इतना पॉपुलर किया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप माया 2 को भी सक्सेसफुल बनाएंगे। माया 2 के सारे एपिसोड्स इसी वक्त अवेलेबल हैं वीवी ऑन द वेब ऐप पर। आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ऐप स्टोर से, और देख सकते हैं। और जियो कंज्यूमर्स के लिए जियो सिनेमा पर माया 2 अभी इसी वक्त अवेलेबल है। तो उम्मीद करता हूं कि आप हमारे ऐप पर और जियो सिनेमा पर जाएंगे और ये शो देखेंगे। ये शो के कोई भी एपिसोड्स अब यूट्यूब पर नहीं आएंगे, तो अगर देखना है तो प्लीज़ आप हमारे ऐप पर जाइएगा
और देखिएगा। थैंक यू।